36वें राष्ट्रीय खेल 2022 जो गुजरात में आयोजित हुए थे, जिसमें बॉक्सिंग में प्रताप स्कूल खरखोदा के बॉक्सर विनीत दहिया ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा प्रदेश सोनीपत जिले ब्लॉक खरखोदा व प्रताप स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं विनीत दहिया इंटरनेशनल बॉक्सर गांव शिशाना का रहने वाला हूँ। मैं प्रताप स्कूल में 8th क्लास में आया था और मैंने यहाँ पर आके बॉक्सिंग गेम चूज किया था और मैंने पिछले 5-6 साल यहाँ पर प्रैक्टिस की है और उसकी वजह से मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मेडल जीते हैं और अभी 7 साल बाद हुए 36वें नेशनल गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता है और आगे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता रहूँगा। भविष्य की मेरी ये योजना है कि मैं आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन गेम्स में अगले साल एशियन गेम्स होंगे उसमें मेडल लाऊँ देश के लिए, जिसका प्रतिनिधित्व होकर 2024 में ओलंपिक की तैयारी के लिए मेरा पूरा प्रयास है कि मैं देश का प्रतिनिधित्व करूं और आगे अपना देश का और अपने परिवार का नाम रखूं। आप विनीत के पिताजी हैं, बेटा लगातार मेडल जीतता है, इंटरनेशनल पर भी मेडल लिए हैं विनीत ने, और अब क्योंकि नेशनल गेम एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती है, उसमें मेडल जीतना सबके लिए विशेष गर्व का विषय है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सर जी, और बहुत ही खुशी है, और भी भगवान से प्रार्थना है भाई आगे तक और एशियन गेम में या ओलंपिक में अन्य प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ले आवे। ऐसा कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो आपका पोता मेडल लेकर आया तो आप किस प्रकार की खुशी मना रहे हैं? हरेक किस्म की खुशी होगी। भविष्य में भी आगे मेडल आता रहेगा और ज़्यादा खुशी होगी, और ज़्यादा खुशी आएगी। जी, आपका भतीजा विनीत मेडल लेकर प्रताप विद्यालय पहुंचा है, हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं, तो बताएं आप, आपके पिताजी, आपका परिवार क्या फील करता है? हमारा परिवार बहुत अच्छा फील कर रहा है जी, हम इससे बच्चे से चाहते हैं जी गोल्ड मेडल एशियन में और ओलंपिक में मेडल लाए, देश का नाम रोशन। चंद्रराम जी, ऐसा कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो आपका पोता मेडल लेकर आया तो आप किस प्रकार की खुशी मना रहे हैं? हरेक किस्म की खुशी होगी। भविष्य में भी आगे मेडल आता रहेगा और ज़्यादा खुशी होगी, और ज़्यादा खुशी आएगी। प्रतियोगिताएं जीती हैं वो जूनियर की प्रतियोगिताएं थी, ये पहली प्रतियोगिता है जब इसने सीनियर खिलाड़ियों को मात देते हुए हमारे प्रताप विद्यालय का गौरव बढ़ाया है, और अब हम उस लेवल पर विनीत को देख रहे हैं जब विनीत सीनियर लेवल की जो हमारी एशियन, एशियाड और ओलंपिक की जो टूर्नामेंट है, क्योंकि जिस समय से विनीत 8वीं कक्षा से हमारे पास पहुंचा उसी समय से हम प्रत्येक अवसर पर विनीत को ये याद दिलाते रहते हैं कि विनीत तेरे अंदर वो गुण है, परमपिता परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, माता पिता और पूरे परिवार का पूरा सहयोग, हर समय इनके माता पिता इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, किसी भी प्रकार की डाइट की कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की आर्थिक कोई समस्या नहीं, और विद्यालय का भी इसी प्रकार से उत्साह बढ़ाते रहते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब विनीत कुमार इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सीनियर मेडल है इंटरनेशनल, वो सभी मेडल विनीत के पास होंगे और देश का गौरव बढ़ेगा। धन्यवाद। आप ओम प्रकाश दहिया द्रोणाचार्य अवार्ड प्रताप स्कूल में खेल निदेशक के पद को सुशोभित कर रहे हैं, और निरंतर हम देखते हैं कि खिलाड़ी अनेक खेलों में पदक प्राप्त करते हैं, तो बताएं इसका क्या राज है और किस प्रकार की आप इनकी ट्रेनिंग और मार्गदर्शन करते हैं? हाँ जी, देखिए आज विनीत नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल लेकर आया है, इससे पहले भी विनीत ने जूनियर एशिया में पदक दिया भारतवर्ष को और भारत का बहुत गौरव बढ़ाया है। विनीत बहुत ही होनहार बॉक्सर है, इनके पिताजी दादाजी इनके साथ खड़े रहते हैं,
और यहाँ जो आपके प्रताप स्कूल की जो खेल की बहुत ही उचित व्यवस्था है, यहाँ के कोचिज का बहुत अच्छा योगदान है, बड़े मेहनती कोचिज हैं, ये सब का सब श्रेय यहाँ की उचित व्यवस्था को, खेल व्यवस्था को, कोचिज का जाता है। और मैं ओम प्रकाश दिया द्रोणाचार्य वार्डी ये आज आप विनीत को शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ कि ये आने वाले ओलंपिक में पदक लेकर भारत का गौरव बढ़ाएगा। जय हिंद।